तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए बिग बॉस 17 के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो बात करते हैं कल का जो एपिसोड हुआ या फिर इससे पहले जो ट्रायंगल चल रहा है मुनव्वर की लाइफ को लेकर गेम में। तो क्या कुछ कहानी है इस पे, क्या फैक्ट क्लियरली बैठ रहा है। तो हम बात करते हैं पहले कि आयशा नाजिला और मुनव्वर के रिलेशन को लेकर। तो जो आयशा गेम में आई और उन्होंने इस तरह से मुनव्वर पे एलिगेशन पे एलिगेशन एलिगेशन पे एलिगेशन ठोक दिए, तो क्या 2 महीने के रिलेशन में ये बात मानने लायक है कि आपको इतना ज्यादा अफेक्ट कर गया वो रिलेशन, या आपको इतना ज्यादा परवाह हो गई किसी की कि आप गेम में इस तरह से पब्लिक फिगर बनकर आए और सारे उसकी 32 महीने के रिलेशन के लिए आपने उसकी 30 साल की जिंदगी को जो है बर्बाद कर दिया, उसके करियर को बर्बाद कर दिया। इतना कंसर्न 2 महीने के रिलेशन में हमने इस समाज में तो नहीं देखा है। बाकी जो चल रहा है वो हम देख ही रहे हैं। फिर आयशा जब आई, अगर उनका जेन्युइन कंसर्न होता तो वो डायरेक्ट आती, वो प्रूफ लेके वो गई नाजिला के पास। नाजिला और उन्होंने प्लानिंग की, वो 2 दिन साथ में रही, जैसा कि आयशा ने कल के एपिसोड में बताया कि वो 2 दिन साथ में रही, स्क्रीनशॉट शेयर किए गए, वॉइस नोट्स शेयर किए गए। अब बात करते हैं नाजिला और मुनव्वर के रिलेशन को लेके। तो मुनव्वर और नाजिला का रिलेशन 1.5 साल पुराना था, तो मुनव्वर और नाजिला एक दूसरे के लिए कंसर्न थे। बट मुनव्वर ने कल के एपिसोड में क्लियरली बोला कि मुझे एक मदर फिगर लड़की चाहिए थी मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे की परवरिश के लिए, जो कि एक फादर का जेन्युइन कंसर्न हो सकता है। बट उसने ये भी कहा कि मैंने जिस चीज में इन्वेस्ट किया इतने लंबे टाइम तक, उसने मना किया, मतलब नाजिला ने मना कर दिया कि वो उसके बेटे को साथ नहीं रखेगी। बट एज अ फादर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुनव्वर फारूकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने बेटे की टेक केयर करनी। तो उसने नाजिला को लगा कि शायद ये सही है, बट नाजिला भी कल के एपिसोड में कहते हुए दिखी कि मुझे बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मैं उस चीज को लेकर अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकती। और फिर वो तीसरे रिश्ते की बात आई, तो जब ये दोनों ने मना किया, उस मुनव्वर का इन्वेस्टमेंट फेल हो गया अपने बेटे के लिए, तो उसने वो तीसरे रिश्ते की बात की, जो तीसरा रिश्ता कल निकल गया है कि मुनव्वर यहाँ से आने से पहले रिश्ता भेजा था। तो उसने रिश्ता भेजा था, कोई गलत चीज नहीं की थी, दो लोग मना कर रहे हैं उसकी लाइफ में आने से बिकॉज ऑफ हिज सन, तो जाहिर सी बात है वो उसको अपने बेटे के लिए वो वरी होगा, वो कंसर्न होगा। तो उसने एक डिसीजन लिया कि हाँ ठीक है, मैं इन दोनों चीजों को मैं खत्म करता हूँ धीरे धीरे और एक नए रिश्ते को आगे बढ़ाता हूँ। ये चीजें हुई। बट जैसा कि मुनव्वर ने बोला कि मेरे यहाँ आने से पहले नाजिला ने मेरे को ये थ्रेट किया कि अगर तुम जाते हो तो मैं आई विल फक अप योर लाइफ और मैं बहुत सारी चीजें शो कर दूंगी। तो जब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन होता है तो कुछ चीजें होती है पर्सनल, जो एक दूसरे से शेयर किए रहते हैं वो लोग। बट जब जिस तरह का थ्रेट दिखाया नाजिला ने मुनव्वर फारूकी को और ये बोला कि मैं तुम्हारी लाइफ को रुइन कर दूंगी सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे साथ रिलेशन में हो या फिर अपने बच्चे के लिए एक मां ढूंढ रहे हो, तो वही चीज को लेके मुनव्वर ने वो क्लोजर नहीं दे पाया नाजिला को। और आयशा को क्लोजर देने का मतलब वो कह रहे थे कि मेरी इनसे 10-15 दिन पहले बात नहीं हुई, तो वो अपने आप में एक क्लोजर ही होता है। जब 2 महीने के रिलेशन में 15 दिन पहले तक बात नहीं हुई तो अपने आप में एक क्लोजर ही हमें समझ में आता है। तो ये स्टोरी थी। अब इसको दो लोगों ने बाहर एक प्लान बनाया, नाजिला और आयशा ने, कि मुनव्वर को ऐसे बर्बाद किया जाएगा स्क्रीनशॉट दिखा के, उसको वॉइस नोट दिखा के। फिर मेकर्स ने बनाया प्लान कि मुनव्वर की लाइफ को ऐसे हेल बना दिया जाएगा, उसे विनर, जो वो एक विनर दिख रहा है, उसे विनर की रेस से ही बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको कैमरे पर ऐसा दिखाया। तो हर तरफ से उसके अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी तैयार हो रही है, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें उसको विनर न बनना दिया जाए। बट मुनव्वर की सिस्टर ने बोला आके एपिसोड में कि हाँ आयशा ने तेरे साथ जो गलत करना था वो कर दिया, अब तेरी बारी है गलत करने की, तू अकेला ऐसा नहीं है जिसका डिवोर्स हुआ है, जिसका ब्रेकअप हुआ है। ऐसे अगर हम समाज में देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो इस चीज से गुजर रहे हैं। बट हमने मुनव्वर का गेम पसंद था, वो हम देखना चाहते थे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड बट वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर कि ये सारी चीजों के बाद जो जनता मुनव्वर के लिए खड़ी है, जो भीड़ मुनव्वर के लिए खड़ी हुई है, वो अप्रिशिएटेबल है। हम वी आर स्टैंड फॉर हिम बिकॉज ऑफ नॉट कि उसको गेम में कुछ अच्छा करा, बिकॉज ऑफ कि मेकर्स उसकी लाइफ को के साथ कैसे खेल रहे हैं, दो लड़कियां उसकी लाइफ के साथ कैसे खेल रही है वो गेम के अंदर है। उसको नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअली रिएक्ट करना कैसे है। बट या वी नीड टू सपोर्ट हिम, हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए। That's all.